अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको एमसीबी लाइव ऐप के जरिए इजी पैसा अकाउंट या जैस कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के हवाले से मालूमात दी जाएगी। एमसीबी लाइव ऐप के जरिए इजी पैसा या जैस कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपके मोबाइल में एमसीबी लाइव ऐप इंस्टॉल्ड और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एमसीबी लाइव ऐप की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एमसीबी लाइव ऐप के जरिए आप इजी पैसा या जैस कैश अकाउंट में एक महीने में मैक्सिमम 25,000 रुपए तक फ्री ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपके मोबाइल में एमसीबी लाइव ऐप इंस्टॉल्ड और रजिस्टर्ड है तो आप एमसीबी लाइव ऐप ओपन करके लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने एमसीबी लाइव ऐप की मेन स्क्रीन शो हो जाएगी। आप फंड ट्रांसफर के लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने फंड ट्रांसफर के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग पे और दूसरा ऑप्शन है माई अकाउंट्स। अगर आप एमसीबी बैंक लाइव ऐप से किसी भी बैंक अकाउंट या इजी पैसा या फिर जैस कैश अकाउंट में रेगुलर पैसा सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसे पेई के तौर पर एमसीबी लाइव ऐप में ऐड कर लें ताकि आपको बार बार पेई की इंफॉर्मेशन देनी ना पड़े। इसके लिए आप एग्जिस्टिंग पेई पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो आपके सामने दो ऑप्शंस शो होंगे। पहला ऑप्शन ऐड न्यू पेई और दूसरा ऑप्शन क्विक ट्रांसफ़र। अगर आप रेगुलर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पेई पर क्लिक करें। आपके सामने ऐड पेई के नाम से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। पेई नेम में आप जिसके इजी पैसा अकाउंट में पैसे सेंड करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें। उसके बाद पेई फोटो में आप जिसे पेमेंट करना चाहते हैं उसकी फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि हमें एमसीबी से इजी पैसा में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप अदर बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद सिलेक्ट बैंक के आगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। आपके सामने बैंक्स के नाम की लिस्ट शो हो जाएगी। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से इजी पैसा टेलीनॉर बैंक के नाम पर क्लिक करें। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप पे अकाउंट नंबर में इजी पैसा अकाउंट का मोबाइल नंबर टाइप करें जिस पर आप पैसे सेंड करना चाहते हैं। इजी पैसा मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आप पे ईमेल आईडी में आप जिसे पेमेंट करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। पे निकनेम में आप जिसे पेमेंट करना चाहते हैं उसका कोई भी निकनेम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने ऐड पे रिव्यू का पेज शो होगा। अगर तमाम तर मालूमात दुरुस्त है तो आप कंफर्म के बटन पर क्लिक कर दें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एमसीबी की जानिब से 6 हिंसों का ओटीपी कोड रिसीव होगा। आप वो ओटीपी कोड यहाँ पर टाइप करें। अगर आपके मोबाइल पर कोई ओटीपी कोड रिसीव नहीं हुआ तो आप रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी कोड हासिल कर सकते हैं। ओटीपी कोड टाइप करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्मेशन की स्क्रीन शो होगी जिसके मुताबिक पे की इंफॉर्मेशन कामयाबी के साथ ऐड हो चुकी है। आप इस स्क्रीन पर मौजूद पे नाउ के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने फंड ट्रांसफर के नाम से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। आप ट्रांसफर टाइप में एग्जिस्टिंग पे के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने पे के नाम से मेन्यू शो होगा। आप यहां पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो पे सेलेक्ट करें जिसे आपने अभी ऐड किया है। उसके बाद नीचे पे के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने यहां पर पे की तमाम तर इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहां ट्रांसफर फॉर्म में आपके एमसीबी बैंक का अकाउंट नंबर शो होगा। यहां अमाउंट के नीचे वो अमाउंट टाइप करें जो आप एमसीबी बैंक के अकाउंट से इजी पैसे के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। अमाउंट टाइप करने के बाद पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करें, यानी आप पैसे किस मकसद के लिए सेंड करना चाहते हैं। मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप पे के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप पे के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन के हवाले से स्क्रीन डिस्प्ले होगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 हिंसों का ओटीपी कोड रिसीव होगा। आप वो ओटीपी कोड यहाँ पर टाइप करें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज डिस्प्ले होगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यानी मतलूबा रकम कामयाबी के साथ आपके इजी पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको एमसीबी लाइव ऐप से
इजी पैसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के हवाले से ये मालूमती वीडियो पसंद आई होगी। आप इस मेथड को यूज करते हुए इजी पैसे अकाउंट, जैस कैश अकाउंट या किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।